आगामी 6 सितंबर को रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के शिक्षक भोपाल जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका और शिक्षा मंत्री का स्वागत करेंगे। इसे लेकर ब्लॉक के सभी अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक हुई। पिपलोदा ब्लॉक शिक्षा समिति अध्यक्ष श्याम सिंह देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वागत और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के पारदर्शिता और सटीक कुशल कार्यों से पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, जिसमें शिक्षा विभाग के लगभग 70,000 शिक्षक प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतर पूर्ण पारदर्शिता से किए गए और लगभग 1,84,000 शिक्षकों को राज्य शिक्षा सेवा में लेकर ऐतिहासिक कार्य किया, जिसके लिए निसंदेह मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिक्षा मंत्री सहित जिला प्रभारी मंत्री का सम्मान किया जाए। आज पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में जो स्वैच्छिक ट्रांसफर हुआ है, वो मध्य प्रदेश एक नंबर वन राज्य बनने जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी प्रभुराम चौधरी ने जो निर्णय लिया है, और निस्वार्थ भाव से पारदर्शिता के साथ स्वैच्छिक ट्रांसफर जो हुआ है, इसमें पूरे मेरे पिपलोदा ब्लॉक के, मैं शिक्षा समिति के अध्यक्ष के नाते बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिपलोदा ब्लॉक के सारे शिक्षकों में हर्ष की लहर है, वो उस खुशी है। इसे लेकर पिपलोदा ब्लॉक के सभी अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक की गई और पत्र में सम्मानित करने की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाड न्यूज, रतलाम।